चले तेरे दिल की धड़कने तो फड़की ना भाई। डॉक्टर साहब दिल की धड़कने कैसे फड़कंगी जब मेरी गांड फड़क रही है तो, वो भी तुम जैसे डॉक्टरों की वजह से। मेरे होते हुए डरो करो मत बिल्कुल भी। अरे डॉक्टर साहब बाहर बोर्ड पे क्या लिखवा रखा है, मरे हुए इंसान भी जिंदा करे जाते हैं, सही बात है। जब लिखवा रखा है तो जाहिर सी बात है करते भी होंगे। वे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर साहब, मेरी बहू खत्म हुई थी 10-15 दिन पहले, उसे जिंदा कर दो तुम, मेरा मन नहीं लग रहा उसके बिना। इसका मतलब अभी ताजी ताजी खत्म हुई है क्या? अब मेरा मतलब है अभी ज्यादा टाइम कोई हुआ बहू को मरे हुए? हो जाएगा, एक लीवर का ऑपरेशन ऐसा करूंगा तुम्हारी बहू पैरों पे खड़ी। खर्चा कितना जाएगा डॉक्टर साहब? यही कोई 20,000 रुपए बस। अरे डॉक्टर साहब 20,000 में तो मैं नई बहू ले आऊंगा, सही लगा लो यार थोड़ा। अरे चलो 17,000 रुपए दे दियो और क्या। 15,000 दूंगा यार, 2,000 रुपए की तो बात रह गई यार। ना ना 15, चलो जाओ लेके आओ बहू अपनी। ठीक है डॉक्टर साहब तो मैं कल आता हूँ बहू को। यार डॉक्टर साहब कब तक लोगों का चूतिया बनाओगे तुम? देखो भाई जब तक लोग ये चूतिया बनना है तब तक बना रहे हैं, जिस दिन बंद हो जाएगा तो हमारा काम भी बंद हो जाएगा। ये कौन सा चूतिया बना, कल को कह गया आवे या ना आवे कुछ भरोसा है इसका? देख चेले ये आए या ना आए मेरा काम था इसे बताना और मैंने बता दिया। मैं यहाँ जनता की भलाई के लिए बैठा हूँ ना कि पैसे कमाने के लिए। अगर मुझे पैसे ही कमाने होंगे ना तो इस अस्पताल के बाहर एक ओयो का बोर्ड लगवा दूंगा और ये जितने भी खाली बेड देख रही है ना तो दिन रात भर के चलेंगे ये, लेकिन नहीं कमाने मुझे ऐसे पैसे। ठीक है डॉक्टर साहब मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया बताओ? बता दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है पहले। कैसी सर? तुम्हारे हॉस्पिटल में 90% का पार्टनर बनाओ मुझे। तो एक काम और कर ले, इसे और ले ले, पूरे हॉस्पिटल का मालिक ही बन जा। ना मैं हॉस्पिटल का मालिक ना बनिया, तुम एक काम करो मेरी 800-1,000 रुपए तनखा कर दो बस। हाँ ये कर सकता हूँ, चलो अब अपना आइडिया बता। आइडिया बताऊंगा ना ला के दिखाऊंगा तुम्हें मरीज, और इतने मरीज लाऊंगा तुम्हें मूतने तक का टाइम ना मिलेगा। अरे हाँ चल थैली मांग लूंगा कोई दिक्कत ना, तू मरीज लेके आ बस। लाता हूँ ना, टाइम हो गया है, बड़ा लेट कराता हर बार। अरे क्या बात है यार, वरना तो मना करते कर ना ना हो करे तो। अरे यार ये कमर का दर्द ना जान देता मुझे कहीं। अबे तो कमर के दर्द के लिए नंगला वाले हकीम से मिलना तू। अरे यार अब हकीमों से मेरा विश्वास उठ गया, दुनिया जमाने के हकीम देख लिए मैंने। देख लिए दुनिया जमाने के हकीम? अरे भाई साहब हमारे डॉक्टर साहब से और मिलके देख लो, स्पेशलिस्ट आप जैसे मरीजों के लिए बुलाए गए हैं इंग्लैंड से। अरे यार भाई साहब डॉक्टरों को तो हमने सभी को दिखा दिया, कुछ ना होता। बे तुम दोनों पागल हो, टुच्चे मुच्चे डॉक्टर और हकीमों से हमारे डॉक्टर साहब की कंपेयर कर रहे हो? यकीन मानना एक बार की बात है, मैं पतंग उड़ा रहा था छत पे, डॉक्टर साहब नीचे को निकल के जा रहे थे, मेरी मां जैसा गर्दन कट के नीचे गिर गई। देखने की बात तो यह है डॉक्टर साहब के कदमों में जाकर गिरी, उन्होंने देखा कि मेरे चेले की है, सट से आए और फट से लगा दी, और देख लो डॉक्टर साहब का करिश्मा तुम्हारे सामने बैठा हूँ। भक्त बना पड़ा हूँ भाई साहब, अंधे बैलों की तरह पिल्ली हूँ उनके साथ। अच्छा भाई और बताओ यार अपने डॉक्टर साहब की करिश्मे। लो और सुन लो करिश्मा हमारे डॉक्टर साहब के, पठान मूवी देखी शाहरुख खान की, उसमें जो बॉडी बनवाई है वो हमारे डॉक्टर साहब ने बनवाई है। और सुन लो तुम यार, तुम ज्यादा मत सुनो, बहुत देर हो गई तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास भीड़ न टूटती है, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द ठीक करके भेज देंगे, चलो अब तुम हमारे साथ। अरे यार ये इतना कह रहे हैं तो क्यों ना एक बार इनके डॉक्टर साहब को दिखा के देख ही ले, क्या पता सही हो ही जाए कमर का दर्द यार मेरी। अबे यार अब भी देख ले, अबे चलो यार अब उठो यार टाइम ना मेरे पास, चलो जल्दी उठो। आओ चलो आओ अभी मिलवाई देता हूँ डॉक्टर साहब से। अबे यार कैसा हॉस्पिटल है ये, तुम तो कह रहे हैं भीड़ टूटती है डॉक्टर साहब के पास से, या तो एक भी मरीज नहीं दिख रही है। तुम्हें ये भी तो बताया था कि 2 मिनट में ठीक करके भेज देते हैं डॉक्टर साहब, तो कहाँ को भीड़ लगेगी, 2 मिनट में ठीक करा भेज दिया, अब तुम आयो तुम्हें भी 2 मिनट में ठीक करेंगे भेज देंगे। अरे यार भाई की पॉइंट की बात है, कहाँ है डॉक्टर साहब, मिलवाओ। डॉक्टर साहब क्या बच्चे नहीं हो रहे? अरे बच्चे होंगे कैसे मेरी जान, अभी मुझ जैसे मर्द से पाला भी कहाँ पड़ा है तुम्हारा, I mean, मेरा मतलब है मेरे जैसे डॉक्टर से। हाँ डॉक्टर साहब ये है मरीज, मैंने ना सब बता दिया आपके बारे में, कितने खतरनाक हो तुम। हाँ भाई क्या दिक्कत है तुम्हें? डॉक्टर साहब दुनिया जमाने की दवाई खा ली, सारे हकीमों को दिखा दिया, लेकिन ये कमर का दर्द ठीक ना हुआ। सुधा खानी के दुनिया भरे में ऐसी तैसी मराते फिर रहा, मेरे पास क्यों आया पहले से, चल कमर दिखा अपनी। डॉक्टर साहब ये कमर ना है, कमर थोड़ी ऊपर है। हाँ चल ठीक है, हल्की सी होम्योपैथिक की दिक्कत है, अभी इंजेक्शन लगा के ठीक करे दूं 2 मिनट में, लेट इधर को। अभी 2 मिनट में ठीक हो जाए, दिक्कत बहुत ही है बच्चे को।
अभी बस 2 मिनट पूरे लगेंगे, ठीक हो गया। लो मैं कह रहा था डॉक्टर साहब 2 मिनट में ठीक कर देंगे तुम्हारे दोस्त को। यार डॉक्टर साहब तो बहुत बढ़िया निकले, एक बार में मर्ज पकड़ लिया। यार मेरी बीबी की टांगों में दर्द रहता, अपनी बीबी को दिखाऊंगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब की जरूरत ना पड़ेगी उसमें, मेरे पास को ले गई है, बस थोड़ी सी टांग उठाऊंगा काम से। अरे उसमें डॉक्टर साहब की तो पहले जरूरत पड़ेगी, उससे लिखवाऊंगा पर्चे। हाँ ठीक है चल बे चल। अबे डॉक्टर साहब ये तो मुंह से झाग छोड़ लिया, मर गया क्या? ए पागल है क्या, मरा नहीं है, ये झाग निकल रहा है मुंह से, इसके दर्द निकल लिया इसकी कमर का। ये दूसरा इंजेक्शन लेके आता हूँ, जल्दी जाओ। टेंशन मत लो डॉक्टर साहब, दूसरा इंजेक्शन लेने गए, इंजेक्शन लगाते ही चीते की तरह भागे गए। डॉक्टर साहब की कॉल है। हाँ डॉक्टर साहब। अरे चेले मुझे लग रहा है ये एक्सपायरी इंजेक्शन लग गया इसके, तभी तो मुझे जाग छोड़ गया, मर गया साला। अरे भाई साहब, अरे